भोपाल के अवधपुरी इलाके में टेंट गोदाम में भीषण आग। गोदाम से कुछ ही दूर पर छठ पूजन के लिए जुटे थे लोग। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबर नार न्यूज। भोपाल के अवधपुरी इलाके के टैगोर नगर फेज 2 में सोमवार को एक टेंट गोदाम में भीषण आग लगी। जिस जगह आग लगी पास ही छठ पूजन के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस का कहना है कि आग पटाखे की चिंगारी या फिर शॉर्ट सर्किट से लगी। दोनों की बातें जानने के बाद ही पता चला, सुबह 7 बजे टेंट गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। अवधपुरी छोला समेत अन्य फायर स्टेशनों से तुरंत दमकलें मौके पर पहुंची। आग ने तब तक भीषण रूप ले लिया था। आग की लपटें कई फीट ऊंची उठ रही थी। करीब 1.5 घंटे तक आग धधकती रही। आग लगने से टेंट कारोबारी का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। रहवासी इलाके से भी गोदाम लोगों ने जताया विरोध। टेंट गोदाम रहवासी इलाके में है, इसमें आग लगने से रहवासियों में भी दहशत फैल गई। उन्होंने गोदाम को लेकर विरोध भी जताया। बताया जाता है कि यह गोदाम अवैध तरीके से बनाया गया है, इसे लेकर भी शिकायत की गई है। आसमान में धुएं के गुब्बार। टेंट गोदाम में आग लगने के बाद जहां आग की एक ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी, वहीं दूर से ही धुएं का गुब्बार नजर आ रहा था। MIC मेंबर जितेंद्र शुक्ला, अवधपुरी थाना TI SS चौहान, HSO राकेश शर्मा आदि अफसर और जनप्रतिनिधि भी मौके पर डटे रहे। भीड़ इकट्ठा हो गई। कॉलोनी में बने कुंड में छठ पूजा के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। वहीं घरों की छतों पर भी लोग जमा थे। इसी बीच आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर भी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।